नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले से पूरे देश में एक माहौल चला है कि जिसमें हमारे समाज के प्रति अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग किया जा रहा है, और उनको देखकर अन्य नए 100-100 ग्राम के लड़के तैयार हो गए कि वो राजपूतों से भिड़ेंगे और राजपूत समाज को गालियां देने का काम शुरू हो गया है। पूरे देश में हर जगह हमने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करी उन लोगों के लिए, लेकिन अभी तक कहीं पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने जिला शिमला में ASP सुनील नेगी जी को FIR दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र दिया था, अभी तक उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। हमने अभी 5 तारीख को सचिवालय के बाहर भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हमने तब भी कहा कि FIR दर्ज की गए। हमारे एप्लीकेशनों के ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, बल्कि हरियाणा से भाई प्रदीप भट्टा और भाई ओकेंद्र राणा के ऊपर एट्रोसिटी SC ST का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको गिरफ्तारी के लिए उनके आदेश निकाल दिए गए हैं। जिला शिमला पुलिस प्रशासन को मैं 48 घंटे का मैं समय देता हूं, अगर 48 घंटों के भीतर उन्होंने उस महक सिंह के खिलाफ अगर FIR दर्ज नहीं की, जिला शिमला की शिमला शहर की सड़कें हम बंद कर देंगे। आपने जो उखाड़ना होगा आप उखाड़ लेना, जिला शिमला की सड़कें बंद करेंगे तो बंद करेंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम है। हमारे शिकायत पत्र के ऊपर अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो फिर अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहना। जिम्मेवारी शिमला पुलिस प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जो भी माहौल होगा जिम्मेवारी आपकी होगी, सरकार की होगी। 48 घंटे का अल्टीमेटम। जय भवानी जय राजपुताना, और सारे के सारे साथी हिमाचल प्रदेश के तैयार हो जाएं शिमला को बंद करने के लिए। हमारे समाज को गालियां देने वाले सरेआम घूम रहे हैं और हमारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है। एट्रोसिटी SC ST Act में ये न्याय देगा ये कानून और ये सरकार, ये पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को 48 घंटे मतलब 48 घंटे सुन ले पुलिस प्रशासन, सड़कें बंद कर देंगे पूरी की पूरी तरीके से अगर 48 घंटे के अंदर FIR दर्ज नहीं हुई। जय मां भवानी जय राजपुताना जय परशुराम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।